इस सेशंस में देखते हैं कि हम कैसे वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो ये देखिए हमारा सिस्टम यहाँ खुल गया है। देखिए इस पे आप फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक ओपन हो रहा है, यूट्यूब देखते हैं youtube.com। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो वेबसाइट है ये खुल रही है। देखिए अगर आप चाहते हो यूट्यूब ब्लॉक करना या फेसबुक ब्लॉक करना तो आप अपने सिस्टम पे ब्लॉक कर सकते हैं। अब ये ब्लॉक करने के लिए देखो सिंपल मेथड हम आपको बताएंगे आज। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने रन ऑप्शन में। रन में हमें जाना पड़ेगा विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स etc, ये लोकेशन है। इस लोकेशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको होस्ट ऑप्शन दिख जाएगा, यानी कि होस्ट फाइल दिख रही है आपको। इस होस्ट फाइल को आप नोटपैड पे ओपन कीजिए। ये देखिए अब यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट ब्लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे आईपी लिख दीजिए 127.0.0.1। ये लूपबैक एड्रेस होता है। यहाँ पे लिख दीजिए www. जैसे YouTube ब्लॉक करनी है तो यहाँ लिख दीजिए youtube.com। फेसबुक ब्लॉक करनी है तो फेसबुक लिख दीजिए www.facebook.com। तो जितनी वेबसाइट आपको ब्लॉक करनी है वो सबके नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद इस फाइल को आप सेव कर दीजिए। सेव क्लोज। अब देखिए दोबारा से अब मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले YouTube खोलूँगा www.youtube.com। तो यहाँ पे आप एड्रेस डाल देंगे तो ये देखिए वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हो रही है, ब्लॉक हो गई है। कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे Facebook भी ब्लॉक की थी तो facebook.com ओपन करेंगे। तो facebook.com ये भी ब्लॉक होगी। इंटरनेट चल रहा है, बाकी वेबसाइट खुल रही हैं, लेकिन जो वेबसाइट हमने ब्लॉक की थी वो इसमें नहीं। तो इस सेशन में इतना ही।